गौरतलब हो, देश में नरसिंहपुर जिला सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला माना जाता है। नरसिंहपुर का गन्ना व गुड़ पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़ी में मात्रा में देश के कोने कोने में गुड़ की सप्लाई की जाती। लेकिन आपको ये जानकर अचंभा होगा कि इस जिले का गन्ना किसान आज एक पैसे के लिए मोहताज है। कारण है यहाँ की शुगर मिले। जी हाँ, हम आपको बता दें, यहाँ के किसानों ने 2017-18 में महाकौशल शुगर मिल बचई को गन्ना का विक्रय किया था। गन्ना किसानों को बचई शुगर मिल ने कुछ भुगतान तो कर दिया था, पर वर्ष 2017-18 का बहुत से किसानों का लाखों रुपए आज दिनांक तक नहीं मिले हैं। और जब किसान शुगर मिल मालिकों के पास अपना खुद का पैसा मांगने जाते हैं तो उन्हें वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ता है। इसी के विरोध में सोमवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के जिलाध्यक्ष अभयवान गात्री जी के नेतृत्व में सभी पीड़ित किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें अभयवान गात्री व पीड़ित किसानों ने कहा है कि यदि 8 दिन में यदि में उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो उन्हें मजबूरन जिला प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अब एक बात यह भी है कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है वो शुगर मिलों के खिलाफ चुप्पी क्यों साधे है, ये एक बड़ा सवाल जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही कलेक्टर महोदय ने गन्ना किसानों के भुगतान का जल्द निराकरण करने की बात कही है। अब देखना है कि गन्ना किसानों का भुगतान जल्द होगा या शासन प्रशासन के खिलाफ होगा जन आंदोलन। नरसिंहपुर से अकित नेमा की रिपोर्ट। और उन्होंने कहा है कि इस पे वो कार्रवाई करें। सर, लास्ट क्वेश्चन, जी जो शुगर मिले हैं लगातार कई सालों से किसानों का पैसा रोक के रखे हैं, करोड़ों रुपए, करेली शुगर मिल हो, महापोषा शुगर मिल हो, अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। इसमें भी कलेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने शुगर मिल्स के खिलाफ रिपोर्ट भेजा है कृषि आयुक्त को। कृषि आयुक्त जो है उन्होंने भी कार्रवाई करने के लिए एक निर्देश तो दिए हैं। और अभी 2-3 दिन पहले जो बात हुई है कृषि आयुक्त से, उसके बाद कलेक्टर साहब जो हैं, जो शुगर कंपनीज हैं जिन्होंने जितना किसानों का पेमेंट नहीं किया है वो कितना है उसको कैलकुलेट करके कृषि आयुक्त को भेजेंगे, सो दैट उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जा सके। शुगर मिल के ऊपर कार्रवाई कर, यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? इसके बाद हम एक हफ्ते बाद सीधा हमारा धरना रहे समस्त किसानों को जो भी है। एक तो हम प्रदूषण से ग्रस्त हैं बचे शुगर मिल से, यदि आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो वास्तव में हम लोगों का कैसा जीवन जी रहे हम लोग वो आप देखते भी समझ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रताड़ित हैं और इस संबंध में आज हम माननीय श्री कलेक्टर महोदय से शिकायत की है। तो देखते हैं क्या निराकरण करते हैं वो, नहीं तो हम एक हफ्ते बाद अनिश्चितकालीन धरना के लिए यहीं कलेक्टर साहब के सामने बैठ जाएंगे। मैं माखन साहू सनाप श्री रघुलाल साहू मोबाइल है तुम्हारे पास कौन है कपूरी वाले वीडियो वीडियो सेंड कर मैसेज कर दो हमारे नंबर पर 9098।